न्यूजीलैंड पाकिस्तान या अफगानिस्तान सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा और उसके लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। रन रेट के हिसाब से तीनों टीमों में से सर्वश्रेष्ठ टीम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का रन रेट 0.398 है, जो कि 8 मैचों में 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर काबिज। बेहतर रन रेट के कारण श्रीलंका पर उनकी जीत उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को सबसे अधिक मजबूत करेगी, और वहीं अगर वो हारते हैं तो दुआ करना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अगले अपने आखिरी मैच हार जाएं और वे बेहतर नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई करें। बारिश के पूर्व अनुमान के कारण बेंगलोर में इस मुकाबले के धुलने की संभावना अधिक है, ऐसे में न्यूजीलैंड के पास 9 अंक होंगे और फिर उन्हें दुआ करना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अपना आखिरी मुकाबला हार जाएं। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से कम है और अफगानिस्तान से अधिक है। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाता है और यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो पाकिस्तान को अपना अगला मुकाबला बस जीतना ही होगा। पाकिस्तान 8 अंकों के साथ अभी पॉइंट्स टेबल पर 5वें स्थान पर है, जिसका नेट रन रेट 0.036 है। इसका अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ होगा। हालांकि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान को ना सिर्फ इंग्लैंड से जीतना होगा बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा। उदाहरण के लिए अगर न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन से जीतता है तो पाकिस्तान को 20 ओवर में पूरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 130 रनों की जीत दर्ज करनी होगी। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल पर 6ठे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट है -0.338। अफगानिस्तान का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ है। अफगानिस्तान का नेट रन रेट तीनों टीमों में सबसे कम है, इसलिए वो चाहेंगे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हारें। अगर न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हारता है तो पाकिस्तान इंग्लैंड से सिर्फ 1 रन से भी जीतता है तो अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका को कम से कम 140 रन से हराना होगा। वहीं न्यूजीलैंड के जीतने पर अफगानिस्तान के लिए यह आंकड़ा 300 रन का होगा।